हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्रिएशन टू इंस्पायर। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ ट्रेडिशनल थिंग, जिसमें मैं एक टर्बन मैन और एक इंडियन वूमेन बनाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये दो वाइट कलर के कार्डबोर्ड लिए हैं। अब इसी के शेप के मैं ब्राउन कलर के कार्डबोर्ड कट कर लूँगी। यहाँ मैंने मार्क कर लिया है, अब सीजर की हेल्प से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ स्टिक कर भी हो गया है। अब हमें जो भी इस पर बनाना है उसे हम पेंसिल के हेल्प से रफली ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहो तो इसे ट्रेस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रिंट आउट लेना होगा और कार्बन पेपर की हेल्प से इसे ट्रेस करना होगा। तो यहाँ मैंने पेंसिल के हेल्प से इसे ड्रॉ कर लिया है। अब मैं एक्रेलिक कलर लूँगी और इसे कलर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर रेड एक्रेलिक कलर लिया है। आप चाहो तो दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स टोटल डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो इस तरह मैंने इसकी पगड़ी को या फिर फेटे को कम्प्लीटली कलर कर लिया है। अब स्किन में हम लाइट ब्राउन कलर फिल करेंगे। तो इस तरह हमें फिल करते हुए जाना है। थोड़ा सा इसमें शेडिंग भी दे देंगे। अब यहाँ इसके ड्रेस में मैं येलो कलर फिल कर रही हूँ। आप चाहो तो दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमें कलर करते हुए इसे कलर करना है। अब हम ब्लैक कलर का यूज़ करके ये आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हमें इसकी आउटलाइंस बनाना है। तो यहाँ हमने ये बना लिया है। इस तरह हम ब्लैक कलर का यूज़ करके इसकी आईज, नोज, ईयर्स को हाईलाइट करेंगे। अब मैंने ये येलो कलर लिया है, इससे मैं इसके फेटे में डॉट डॉट बना लूँगी। अब इसके बैकग्राउंड में ये लाइट स्काई ब्लू को पूरी तरह से फिल कर दूंगी। तो इस तरह हमें फिल करते हुए जाना है। अब ये कुछ स्टिक लिया है जिसे मैं फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर लूंगी। अगर आपके पास इस तरह की कुछ स्टिक लिया ना हो तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके चारों तरफ ये गोल्डन लेस को स्टिक करेंगे। अगर आपके पास इस तरह के गोल्डन लेस ना हो तो आप जूट रोप का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी दिखने में इसी तरह ब्यूटीफुल लगेंगे। तो इस तरह हमें हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसे स्टिक करना है। तो यहाँ पर हमारा ये ब्यूटीफुल टर्बन मेनार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं बनाऊंगी इंडियन वूमन। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पेंसिल से इसका स्केच ड्रॉ कर लिया था। अब इसके फेस में मैं लाइट पिंक कलर से कलर कर रही हूँ। अब इसके दुपट्टे में मैंने डार्क रेड कलर का यूज़ किया है। आप चाहो तो दूसरा कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह इसे कलर करना है। अब हम दुपट्टे के बॉर्डर को डार्क ग्रीन कलर से कलर करेंगे। इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में हमेशा ही डार्क एंड ब्राइट कलर का यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।
मैंने यहाँ पे सारे ब्राइट और डार्क कलर का ही यूज़ किया है। अब मैं यहाँ गोल्डन पेन की हेल्प से इसे हाईलाइट कर लूँगी। तो इस तरह इसके दुपट्टे को, इसके क्लोथ्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ मैंने इन्हें हाईलाइट भी कर लिया है। अब ये टिकलियाँ मैं फेविकोल से स्टिक कर लूँगी। तो सेम वही करना है हमें, और ये लेस को स्टिक करना है। तो ये मैंने स्टिक कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये डेकोर बनकर रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरह के डेकोर अपने घर पर इजीली बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसे वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं, ऐसे फ्रिज मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एंट्री डोर पर भी इसे आप लगा सकते हैं। आई होप गाइस आपको आज का ये DIY ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग DIY देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग DIY के साथ। टिल देन, एंजॉय माय वीडियोस।